हेलो इंडिया, सिस सॉल्यूशन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ऑटोकैड ट्यूटोरियल की आज की क्लास में हम आर कमांड के बारे में जानेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर या कर्व फेस को बनाने के लिए आर्क का उपयोग किया जाता है। ऑटोकैड में आर्क बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है। आर्क को किसी सिंगल पैरामीटर की वैल्यू की मदद से नहीं बनाया जा सकता। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यूज फॉर क्रिएटिंग आर लाइक सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रेडियस, एंगल, कॉर्ड लेंथ एंड डायरेक्शन। इन पैरामीटर्स में से किसी तीन पैरामीटर की वैल्यू हमें पता होने से आर्क को क्रिएट किया जा सकता है। इन पैरामीटर्स की वैल्यू के आधार पर आर्क को ऑटोकैड में बनाने के 10 मेथड दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे आर्क के नीचे डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो आपको वो 10 मेथड यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ग्यारहवां जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रीवियस आर्क को आगे कंटिन्यू करने के लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये 10 मेथड हैं जिससे हम आर्क को क्रिएट कर सकते हैं। आर्क को ड्रॉ पैनल में, ये हमारा होम टैब के अंदर ड्रॉ पैनल है और ड्रॉ पैनल में हमारे ड्रॉ टूल्स हैं कितने सारे, जिनमें से हमारा आर्क को यहाँ से भी चूज किया जा सकता है। हम किसी भी मेथड पे क्लिक करेंगे तो उस मेथड से आर्क को बनाया जा सकता है। और दूसरा आर्क का शॉर्टकट है ए प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट आर्क में जाएंगे तो सबसे ऊपर ये थ्री पॉइंट्स का जो मेथड है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है। जब भी हम ए प्रेस करके इंटर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट थ्री पॉइंट वाला मेथड आता है। बाय डिफ़ॉल्ट आर्क को एंटी क्लॉकवाइज में क्रिएट किया जाता है। कोई भी मेथड हम चूज करते हैं लाइक दैट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टार्ट, सेंटर एंड एंड, तो हम स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट, सेंटर और हम एंड करेंगे तो देखें आप देख पा रहे होंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज में जैसे हम क्लॉकवाइज में ऊपर उठाते हैं तो देखेंगे ये बिल्कुल 160 डिग्री राउंड होके हमको आर्क मिल रहा है। इसका मतलब है कि आर्क का क्रिएशन नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आता है। बाकी अगर इसको हमको क्लॉकवाइज करना है तो हमको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। अब देखें कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद में फिर हम इसको क्लॉकवाइज क्रिएट कर पा रहे हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल हम ले लेते हैं 6.4 का और इसका सेंटर आइए, हमारे पास में ये सेव है और इसकी मदद से हम आर्क कमांड के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। आर्क कमांड का पहला मेथड है थ्री पॉइंट। थ्री पॉइंट को चूज किया हमने। आप कमांड बार में देख रहे होंगे कि यहाँ पे बता रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, हमने स्टार्ट पॉइंट लिया। फिर कहता है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क, सेकेंड पॉइंट हमने चूज किया। फिर बोलता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो हमने इंड पॉइंट चूज किया और ये आर्क हमारा तैयार हो गया। सेकेंड मेथड कहता है कि हमको स्टार्ट, सेंटर और इंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्ट, सेंटर और इंड तीन पैरामीटर हैं। आप नीचे देखेंगे सेंटर, स्टार्ट और इंड, ये भी सेम पैरामीटर हैं। मतलब हम इन तीन पैरामीटर्स की वैल्यूज हमको पता होने पे हम चाहें तो आर्क को सेंटर को पहले लेते हुए बना सकते हैं या स्टार्ट, सेंटर और इंड इस सिक्वेंस में लेके हम बना सकते हैं। तो आइए हम दोनों सिक्वेंस से बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट, स्टार्ट देन सेंटर एंड देन इंड, देखें ये हमारा आर्क तैयार हो गया। और इसी को जब हम नीचे के ऑप्शन से करना चाहेंगे सेंटर, स्टार्ट एंड इंड, तो हमको सबसे पहले सेंटर पॉइंट चूज करना है, देन स्टार्ट पॉइंट चूज करना है, देन हमको इंड पॉइंट। अब इंड पॉइंट आप कहीं भी चूज कर सकते हैं, यहाँ चूज करेंगे
या यहाँ चूज करेंगे तो उस हिसाब से हमको आर्क तैयार मिल जाता है। इसके आगे चलते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। हम इन आर्क्स को अभी फिलहाल इरेज कर देते हैं। कमांड लेते हैं हम स्टार्ट सेंटर एंड एंगल, और नीचे देख पा रहे होंगे सेंटर स्टार्ट एंड एंगल, ये दोनों एक ही चीज है। हम किसी भी मेथड से आर्क को क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट सेंटर एंड एंगल, हमने स्टार्ट बटन सेलेक्ट किया, सेंटर बटन सेलेक्ट किया, और हमको अब देना है एंगल। एंगल हमने दे दिया 45 डिग्री का मतलब हो गया कि सेंटर से जो आर्क क्रिएट हुआ है, आर्क के स्टार्ट लाइन से 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, जिसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इससे और इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है। इसको हम दोबारा भी देख सकते हैं। इसको नीचे वाले मेथड को यूज करके हम इस कमांड को दोबारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले सेंटर चूज करना है, फिर स्टार्ट पॉइंट चूज करना है, और फिर हमको एंगल देना है। एंगल हमने अभी दे दिया 60 डिग्री, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 60 डिग्री का एंगल तैयार हो गया एंगुलर। तो आप हम एंगल यहाँ देखेंगे तो ये देखिए 60 डिग्री का एंगल रेडी हो गया, और दोनों मेथड से हम इसको तैयार कर सकते। आइए इसके आगे के मेथड को देखते हैं। इसके आगे का मेथड है स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ, और नीचे देखिएगा सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ, तीनों पैरामीटर सेम हैं। आइए हम इससे, इसमें लेंथ जो डिनोट कर रहा है, लेंथ से मतलब है क्वाड लेंथ। तो हम स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ, तो लेंथ हमको क्वाड लेंथ देना है। क्वाड लेंथ में ये देखिए मैक्सिमम क्वाड लेंथ जो है वो हमारा 4 मीटर, 4 मीटर मतलब डायमीटर के बराबर, तो हम 4 मीटर दे सकते हैं। आइए हम 3 मीटर देते हैं, तो 3 मीटर से हमारा जो आर्क तैयार हुआ वो ये हुआ। एक लाइन की मदद से हम इसके क्वाड लेंथ जो हमने 3 मीटर दिया है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी डिस्टेंस हम यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे तो 3 मीटर है। तो हम स्टार्ट सेंटर और क्वाड लेंथ की मदद से आर्क को तैयार कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हम देख पाएंगे कि सेंटर स्टार्ट और लेंथ, हमने सबसे पहले सेंटर चूज किया, उसके बाद हमने स्टार्ट पॉइंट चूज किया, और उसके बाद हमने क्वाड लेंथ देना है। तो क्वाड लेंथ हम इस बार 3.5 मीटर देंगे, तो 3.5 मीटर का आर्क, क्वाड लेंथ का आर्क हमको तैयार हो गया। आगे के मेथड हैं हमारे, ये 3 हो गए, 3 पॉइंट हो गया, ये 3 मेथड हो गए, नीचे के 3 मेथड हो गए। अब हमारा आता है स्टार्ट इंड और एंगल। आइए हम इस कमांड के बारे में जानते हैं, स्टार्ट इंड और एंगल। हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट लिया और इंड पॉइंट लिया, उसके बाद हमको एक एंगल देना है। एंगल हम देते हैं 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का मतलब है कि जो 0 पॉइंट से स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में एंगल बनेगा वो होगा हमारा 75 डिग्री। आप इसका एंगल चेक करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये 75 डिग्री है। नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन, इसको बना के देखते हैं। स्टार्ट इंड एंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, एक एंगल डिफाइंड होता है वो है इसके टेंजेंट का एंगल। तो टेंजेंट का एंगल हमने 30 डिग्री दिया, तो 30 डिग्री टेंजेंट के एंगल से मिलता हुआ ये आर्क बनता है। और इसका एंगल चेक करने के लिए सबसे पहले एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं इस आर्क के सेंटर पे, जो कि ये है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन क्रिएट करते हैं, जिसके लिए इसको हम 90 डिग्री में रोटेट कर देते हैं। तो 90 डिग्री में इस लाइन को -90 ये हमने रोटेट कर दिया, और इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं और इस आर्क के सेंटर से आने वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब आप इसका एंगल चेक करेंगे
तो टेंजेंट का और आर्क के सेंटर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, यही डायरेक्शन हमको प्रोवाइड करना होता है। अगला कमांड है स्टार्ट इंड एंड रेडियस। हम स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और फिर एक रेडियस देते हैं। रेडियस हम 2.0 मीटर दे दिए, तो आप देख रहे होंगे कि ये आर्क हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से आर्क प्रिपेयर करने के 8 मेथड दिए हुए हैं। इन 8 तरीकों से हम आर्क को तैयार कर सकते हैं। लास्ट आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि अगर कोई आर्क लेके हम वर्क करते हैं, ये आर्क लिया और हमने आर्क प्रिपेयर किया, आर्क के कमांड से हम बाहर आ गए, लेकिन जब इस कमांड को हम चूज करेंगे तो हम जहां हमारा आर्क इंड हुआ था वहीं से हमारा आर्क दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से इस कमांड को हम रिपीट करेंगे तो दोबारा से उसी पॉइंट से मेरा आर्क दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्क की ये क्लास अब समाप्त होती है। आगे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे हम। ड्राइंग पैलेट के अंदर अभी बचे हुए और भी कई सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आर्क कमांड का यूज करके मैंने क्रेन हुक बनाया है, आइए आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ इसमें सर्किल कमांड का यूज हुआ है, लाइन कमांड का यूज हुआ है और आर्क कमांड का यूज हुआ है। तो आर्क कमांड को प्रैक्टिस करने के लिए आप इस टाइप के ड्राइंग्स को लेके बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ड्राइंग को बनाने का वीडियो मैं आपको सेपरेटली डाल दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं इसको बनाने का वीडियो ऐड करता हूं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आप भी इस टाइप की ड्राइंग्स को बनाएं, प्रैक्टिस करें। ओके थैंक यू।